राजनांदगांव में नगर निगम ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में इलाज कराने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं ज्यादा लोगों के शिविर में पहुंचने से व्यवस्थाएं गड़बड़ा गईं और लोगों को इलाज के लिए भटकना पड़ा। लोगों ने कहा है कि अगर उन्हें शिविर का स्तर पता होता तो वे कभी नहीं आते। शिविर में लोगों को घंटों लाइन में खड़े होकर पंजीयन कराना पड़ा और इलाज के लिए डॉक्टरों को ढूंढना पड़ा। पूरा कोशिश किया गया कि लोगों को किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो, चाहे रजिस्ट्रेशन से लेकर के हो, चाहे पैथोलॉजी लैब में उनका टेस्ट के लिए हो या डॉक्टर्स के रूम के लिए हो। आप लोग देख रहे हैं पूरी डिस्प्ले यहाँ पे लगाया गया है और इसमें हमको एक कमर्शियल बैंक ने पूरे स्पॉन्सर भी किया और सहयोग भी किया SDF से। हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। हमने लोगों से अपील किया है कि जिनके पास दवाइयाँ है और जो ट्रीटमेंट के बाद किसी निश्चित अवधि तक उस पीरियड तक के दवाई यूज करने के बाद यदि दवाइयाँ बची हैं तो वो दवाइयाँ यहाँ जमा कर सकते हैं ताकि हम यहाँ आने वाले मरीजों को वो दवाई प्रोवाइड करें।